आज भारत देश शिक्षा दिवस बड़े ही मौके से, बड़े ही धूम से मना रहा है। लेकिन मित्रजनों, क्या आपको पता है कि किसकी याद में शिक्षा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में? आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। आपको बताएं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में देश 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते आ रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD ने 11 सितंबर 2008 को घोषणा की कि भारत में अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान है, इसलिए उनको याद करके भारत के इस महान पुत्र के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। बता दें कि अबुल कलाम ने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका मानना था कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने न केवल महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, बल्कि उन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की वकालत भी की। मौलाना आजाद अपने समय के एक प्रमुख पत्रकार थे और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का कारण भी बने। उन्होंने शिक्षा और राष्ट्र के विकास के बीच संबंध को समझा। बता दें कि 1950 में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी का गठन हुआ। ये सब आजाद की अगुवाई में ही हुआ। इसके साथ ही 1949 में सेंट्रल असेंबली में उन्होंने आधुनिक विज्ञान के महत्व पर ज्यादा जोर दिया। मौलाना ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अत्यधिक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद AICTE और UGC जैसे ऊंचे निकायों की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा IIT, IISc और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की भी उन्होंने स्थापना की थी, और इन्हीं के नाम पर शिक्षा दिवस हमारा देश मनाता है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको बेहतरीन लग रही हो तो अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ये भी हमें ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।